चंद्रयान 3 के साथ गगनयान मिशन की भी तैयारी। 4 पायलटों का हुआ चुनाव। ट्रेनिंग के लिए जाएंगे रूस। लेकिन दोस्तों, आपको पूरी बात बताएं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि देश विदेश की जानकारी आपको मिलती रहे। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के प्रमुख सिवन ने वर्ष 2020 के पहले दिन बुधवार को अहम जानकारी साझा करते हुए बताया कि चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। इसे वर्ष 2021 में लॉन्च करने का भी ऐलान किया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2020 में ही इसे लॉन्च करने की जानकारी दी है। इसरो के अगले लक्ष्य में चंद्रयान 3 के साथ गगनयान व तूतीकोरिन में लॉन्च पैड शुरू करने की योजना है। गगनयान के जरिए मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने का भारत का पहला अभियान है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसरो प्रमुख के सिवन ने बताया कि इस साल हमारे पास 25 योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में स्वतंत्रता दिवस पर गगनयान मिशन की घोषणा की थी। तब उन्होंने कहा था कि 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, जिसमें एक महिला होगी। मिशन गगनयान के लिए रूस और फ्रांस के साथ डील की गई है। इसरो की ओर से यह भी बताया गया है कि देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के तहत गगनयान वर्ष 2022 तक पृथ्वी की दूरी पर चक्कर लगाने लगेगा। इसके लिए वायुसेना के 4 पायलटों का चयन हुआ है और इन्हें इसी सप्ताह ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा जाएगा। इस मिशन के लिए कुल लागत 600 करोड़ रुपए आंका गया है। कम लागत में लॉन्च होगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 की तुलना में कम लागत के साथ चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। साथ ही उन्होंने चंद्रयान 2 को निराशाजनक बताने की बात को गलत करार दिया। उनके अनुसार चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला भारत का यह प्रयास असफल नहीं रहा, क्योंकि इससे काफी कुछ सीखने को मिला है। अभी तक किसी भी देश ने पहले प्रयास में मंजिल हासिल नहीं की। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 2 के अनुभवों और मौजूदा बुनियादी सुविधाओं चंद्रयान 3 के लागत को कम करेगा। हालांकि उन्होंने इस नए मिशन के लिए निश्चित तारीख बताने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।